भाई और बहनों, विकास पूरी तरह से जनता तक तब पहुंच पाता है जब देश और प्रदेश की दोनों सरकारें साथ मिलकर ईमानदारी से काम करें। पिछले चार वर्षों में राजस्थान में हालात इसके बिल्कुल उलट रहे हैं। हम दिल्ली से योजनाएं यहां राजस्थान में भेजते हैं, लेकिन यहां जयपुर में कांग्रेस का पंजा उस पर झपटा मार देता है। कांग्रेस को राजस्थान के लोगों की परेशानी से, आपकी दिक्कतों से कोई लेना देना नहीं है। अब आप देखिए, घर घर पीने का साफ पानी पहुंचाने की भाजपा सरकार की योजना से भी अब कांग्रेस सरकार को परेशानी है। जिस राजस्थान को जल जीवन मिशन में सबसे टॉप पर होना चाहिए था, वो सबसे धीमा करने वाले राज्यों की लिस्ट में शामिल है। आज देश के 130 से ज्यादा जिले ऐसे हैं जहां शत प्रतिशत घरों में नल से जल पहुंचा है। इनमें से पूरे देश को 130 जिले, और इसमें से राजस्थान का एक भी जिला नहीं है। अब आप मुझे बताइए, क्या राजस्थान के लोगों ने कोई गुनाह किया है क्या? किस बात की सजा दे रहे हो? क्या राजस्थान के लोगों ने कोई गलती की है क्या? क्या आपको नल से जल मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? आपके घरों में पानी आना चाहिए नहीं आना चाहिए? देश के 130 जिलों में हो रहा है, आपका एक जिला तो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए था? साथियों, गलती राजस्थान के लोगों की नहीं, गलती यहां की कांग्रेस सरकार की है। कांग्रेस सरकार ने चार सालों में राजस्थान का बहुत नुकसान किया है, और ये बात कांग्रेस के नेता भी अच्छी तरह जानते हैं। राजस्थान में कांग्रेस की हार इतनी सुनिश्चित है कि यहां की सरकार अभी से बाय बाय मोड में आ गई है। मुझे पता चला है कि कुछ मंत्री विधायक तो अभी से अपने सरकारी बंगले खाली करके अपने खुद के घरों में शिफ्ट होने लगे हैं। अपनी हार पर इतना भरोसा सिर्फ कांग्रेस के नेता ही कर सकते हैं।